तो हाय गाइस, मैं आज आपके साथ आपकी पहली क्लास लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की। और हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे वो है नाउंस। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी ओरिएंटेशन की क्लास में बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, तो आज हम उसी को फॉलो करते हुए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और नाउन सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। यहाँ हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, और जीरो से हीरो तक का सफर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम आज नाउंस के साथ स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम आज करने क्या वाले हैं। तो हम आज ये वाले टॉपिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट आर नाउंस, दूसरे नंबर पे उनकी टाइप्स, और तीसरे पे हम उनकी टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। ऐसा करने के बाद आपके जो नाउंस का चैप्टर है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और इसके बाद आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स, उनको लगा के आप ये चेक कर सकते हो कि आपको कितनी प्रोफेनिटी से समझ आया है ये टॉपिक, राइट? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नाउन्स होते क्या हैं। तो नाउन क्या है? नाउन की डेफिनेशन है, दीज आर वर्ड्स दैट नेम पीपल प्लेस थिंग्स और आइडियाज। आई एम श्योर जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने वो एक गेम खेली होगी, राइट? नेम प्लेस एनिमल थिंग, आपका तो पता नहीं पर हम बहुत खेलते थे। तो उसमें क्या है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि आपको कोई डिजिट दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, और ए से आपको एक प्लेस, कोई प्लेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना, है ना? किसी का नाम, जैसे ए से मुझे अपना ही नाम याद आता है, अमरीन। देन प्लेस, वो हो गया नेम प्लेस एनिमल, एनिमल ए से एंट लिख लेते हैं, और थिंग, थिंग अब ए से क्या लिखें, चलो एरो लिख लेते हैं, तो एरो हमारी थिंग हो जाएगी, है ना? तो ये सब क्या है, अर्जेंटीना, अमरीन, एंट, एरो, ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट नाउन। ये सब कुछ नहीं है, बस नाउन्स हैं, और ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं नाउन्स की, जिनको आज हम समझेंगे। तो हमें शायद ये रियलाइज भी नहीं हुआ कभी कि हम ये गेम खेलते हुए एक्चुअल में नाउन समझ रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में देखो, इस चीज को देखते ही, इस साइन को देखते ही आपके दिमाग में इस बिल्डिंग का नाम आता है, दैट इज चर्च, राइट? मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ इस साइन को देख के आप समझ गए कि इस बिल्डिंग का नाम चर्च है। ऐसे ही आप किसी मंदिर को देखोगे तो आपके दिमाग में टेम्पल आएगा, या गुरुद्वारा आएगा, राइट? या मॉस्क आएगी, या फिर कोई हॉस्पिटल आ जाएगा, बिकॉज वो उन जगहों को हमने नाम दिए हुए हैं। या जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम अर्श है, तो मुझे उसका नाम याद आ जाएगा, है ना? अगर हम किसी बेस्ट फ्रेंड या किसी पर्सन की बात करें, ऐसे ही किसी चीज की बात या किसी आइडिया की भी बात, आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? आइडियाज आर एब्स्ट्रैक्ट, ये हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देते, ये हमारी फाइव सेंसेस को दिखाई नहीं देती चीजें, या फील नहीं कर पाते हम इनको। हम सिर्फ, ये फीलिंग्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें एक्चुअल में फीलिंग्स होती हैं, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट? तो ये चीजें भी नाउन हैं, जैसे पिटी, एम्पथी, हैप्पीनेस, सोरो, ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स। तो अभी हम आगे इसकी कुछ टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं, पहली है कॉमन और दूसरी है प्रॉपर नाउन। दोनों को मैंने रिलेट करके एक ही स्लाइड में रखा है ताकि आपको कंपैरिजन से समझ आ सके, राइट? तो कॉमन नाउन में क्या है, ये नेम करती है काइंड ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, पर अंडरलाइनिंग वर्ड्स, नॉट स्पेसिफिक वंस। किसी चीज को ये स्पेसिफिकली नेम नहीं करेगी, जैसे कि ये फिगर, दिस इज अ गर्ल। अगर मैं ये बोलूं दिस इज अ गर्ल तो मैं करेक्ट हूं, राइट? आई होप आप में से किसी को ये लड़का ना लग रहा हो, क्योंकि ये लड़की ही है। एनीवे, तो दिस इज अ गर्ल, अगर मैं ये बोलूं तो आई एम यूजिंग कॉमन नाउन, तो मैं कॉमन नाउन का यूज कर रही हूं अगर मैं ये बोलूं दैट शी इज अ गर्ल। लेकिन अगर मैं ये बोलूं दैट शी इज पूजा फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको एक प्रॉपर नाउन बना दिया, मतलब कि नेम स्पेसिफिक पीपल और प्लेसेस और थिंग्स। जैसे कहीं मैं आपको ये बोलूं दैट वी आर गोइंग टू अ माउंटेन टॉप, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोला दैट वी आर गोइंग टू अ माउंटेन टॉप, तो मैंने कॉमन नाउन का यूज किया और माउंटेन बोल दिया। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं दैट वी आर गोइंग टू माउंट एवरेस्ट, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, आई मेड दिस अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। और इन्हीं स्पेसिफिक नामों को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन,
और जो कॉमन है, जो चीजें कॉमनली हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन, राइट। तो ये दो तरीके के नाउन्स हो गए। आगे हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए भी समझाया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिनको आप परसीव नहीं कर सकते अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू। जैसे ये क्या है, आइडियाज हैं या क्वालिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इमोजी को देखते ही आपको लगता है दैट समबडी इज सैड, राइट, नॉट हैप्पी। तो ये क्या है, सैडनेस। अभी आप यू कांट टच सैडनेस ना, तुम ऐसा नहीं बोल सकते आपकी मैंने आज 5 किलो सैडनेस देखी। ऐसा आपने सुना है कभी? ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। दूसरी तरफ ये फिगर आपको दिखाती है पॉवर्टी, राइट, पॉवर्टी या फिर हंगर, है ना। तो इसका भी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। आप कभी ये थोड़ी बोलते हो कि माँ मुझे आज 2 किलो भूख लगी है। आप सिर्फ ये बोलते हो कि माँ मुझे भूख लगी है ना। तो वो भूख क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे दो फिर से कंपैरिजन करने वाले नाउन्स, और इनमें मैं थोड़ा सा इंक कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही कलर से लिखते रहोगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। तो आज ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये वो नाउन्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि दीज आर टू कप्स एक्चुअली एंड वन जग, और ये क्या है, दिस इज वन पियानो, है ना, गिनती में आ रहा है। और ये क्या है, ये एक टीचर है, ठीक है। तो आप गिन पा रहे हो चीजें। वहीं इसके उल्टा नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस फिगर में कितना घास है, कि आप मुझे काउंट करके बताओ, आप मुझे नहीं बता सकते, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल, ये काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये दो अलग टाइप के नाउन्स हो गए। अभी हम देखते हैं एक और डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, जो कि है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिला के बन गया। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखो तो ये क्या है, ये है रेन ड्रॉप्स, है ना। पर मैं इसको तोड़ के दो शब्द बना सकती हूँ। कौन से रेन और ड्रॉप, दो अलग वर्ड्स को जोड़ के ये सेंटेंस हमारे पास आया है। तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड नाउन। जैसे कि ये फिगर में, दिस इज अ वाइट बोर्ड, वाइट प्लस बोर्ड, दोनों चीजें जोड़ के बन गया वाइट बोर्ड। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक कंपाउंड नाउन है। ऐसे ही ग्रैंड मदर या ग्रैंड डॉटर, दोनों चीजें दो दो शब्दों से बनी है, तो ये है हमारे कंपाउंड नाउन। नाउ मूविंग अहेड, आगे हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कि हमारे पेपर में काफी ज्यादा हद तक काम आते हैं, क्योंकि आपको इन शब्दों के आधार पे एरर स्पॉट करने होते हैं, प्लूरल सिंगुलर या फिर कलेक्टिव नाउन्स के सिर पे, है ना। तो ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ये यूनिट या ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जैसे दिस इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये एक दो तो है नहीं, ज्यादा लोग हैं, या दिस इज अ हर्ड ऑफ काउस, है ना। तो अगर मैं एक इनमें से किसी एक फिगर को चूज करूं, तो दिस इज अ पुलिसमैन, ये कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा, लेकिन इतनी सारी पुलिस कलेक्टिव नाउन बन जाएगी, क्योंकि ये एक ग्रुप है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इसमें भी आपको, आई थिंक हमने बचपन से बहुत कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन हम इसकी यूसेज भूल जाते हैं। तो एक होते हैं हमारे सिंगुलर नाउन्स, जिनमें एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग की बात होती है, जैसे वन टीचर, वन लैम्प, है ना। इसके उल्टा चलेंगे तो आएंगे प्लूरल नाउन, जिनमें दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सन, फॉर एग्जाम्पल वॉल्ट्स। अच्छा, तो ये आपका ना क्वेश्चन है, आप आज कमेंट करके बताएंगे वॉल्ट्स क्या होते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट एंड टेल मी ये वॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा इसको देख के, तो इसको जरूर देखना, ये आपका टास्क है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसको, ठीक है। या फिर जैसे ट्रीज हो गया, ऐसे ही कुछ आइडियाज भी, फॉर एग्जाम्पल जॉयज ऑफ लाइफ, है ना, जिंदगी की खुशियां, छोटी छोटी खुशियां, खुशियों की चाबी नैनो, है ना, ऐसे करके। तो ये जॉयज जो है, ये भी प्लूरल नाउन है, राइट। अभी कुछ रूल्स हैं प्लूरल नाउन के, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई शब्द जनरली एस से एड करने पर ही प्लूरल बन जाती है कुछ चीजें, जैसे कैट को उन्होंने कैट्स बना दिया, वैसे ही अगर डॉग में एस डालोगे तो डॉग्स प्लूरल बन जाएगा।
अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एस में एंड होते हैं वर्ड, है ना, जैसे यहाँ ग्लास है, तो उसके साथ हम ई एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो ग्लास को ई एस ऐड करके प्लूरल बना के ग्लासेस बना दिया। ऐसे कुछ चीजें सी एच में एंड करती हैं, है ना, जैसे चर्च, तो उसमें हमने ई एस ऐड करके प्लूरल कर दिया। ई एस वाले 5 केस हैं, ठीक है, पांचों आपको देखने हैं। फिर कुछ चीजें एस एच में ऐड एंड होती हैं, जैसे ऊपर वाला सी एच में एंड हो रहा था, यहाँ एस एच में एंड हो रहा है, तो बुश का बन गया बुशेस ई एस लगा के। फिर जो चीजें एक्स में एंड होती हैं उसमें भी हम ई एस लगा देंगे, जैसे फॉक्स का बन गया फॉक्सेस, है ना। और फाइनली जी, जिसके साथ हम ई एस लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बोला है मुझे कमेंट करके बताना है, दैट इज वॉल्स, उसके साथ ई एस जोड़ के हमने बना दिया वॉल्स, है ना, तो ये प्लूरल बन गया। अब फाइनली कुछ ऐसे वावल्स भी हैं जो वाई में एंड करते हैं, तो उसके साथ हम एस लगा देंगे, जैसे बॉय के साथ एस लगा के हमने बना दिया बॉयज। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सोनेंट में एंड करती हैं। अब हमारे पास दो तरीके के लेटर हैं, एक होते हैं वावल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट लिखने वाली थी मैं, एनीवे, वावल और कॉन्सोनेंट्स। तो वावल हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ के बाकी सारे लेटर कॉन्सोनेंट हैं, जैसे बी डी एफ जी एच, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जो शब्द कॉन्सोनेंट में एंड करते हैं, जैसे कि वाई कॉन्सोनेंट पे एंड करने वाले, उनके साथ हम आई ई एस लगाएं, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई का बन गया फ्लाइज, राइट। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स में काफी काम आएंगे, है ना। तो कई बार हमें वर्ड पता होता है लेकिन हमें लग रहा होता है यहाँ एरर है शायद, पर हम शायद में रह जाते हैं कि कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो ऐसे जो रूल्स हैं ना वो हमें हेल्प करेंगे इस शायद के आगे बढ़ने, राइट। अब फाइनली आपका लास्ट का जो नाउन का टाइप बचा है वो है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव क्या, ये शब्द पोजेशन से आया है, पोजेशन शब्द से हमने बना दिया पोजेसिव, यानी कि वो नाउन्स जो आपकी ओनरशिप दिखाते हैं, जैसे कि नैन्सीज बर्ड, ये जो चिड़िया है ये नैन्सी की है, या ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये इन मैडम की है ना। अ मदर्स चाइल्ड, ये मदर है और ये उसका बेबी है, ठीक है, काफी क्यूट सा बेबी है। एनीवे, तो ये चीजें हमें हमारा पोजेशन दिखाती हैं, जैसे आई वुड से माय कार, या फिर अमरीन्स क्लासरूम, है ना, ये मेरा क्लासरूम है, तो यहाँ मेरी पोजेशन शो हो रही है, अमरीन्स क्लासरूम, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ नाउन्स के किस्म, आई होप आपको नाउन्स का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको पता है मैं क्या बोलूंगी, अब आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस ढूंढो नाउन के और उनको प्रैक्टिस करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर को एनालाइज भी करना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करके छोड़ दिया, आप उनको एनालाइज भी किया करो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जहां पे आप गलतियां कर रहे हो, और फिर उनको दोबारा से दे, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आज का काम है आपको मुझे वॉल्ट्सेस या फिर वॉल्ट का मतलब ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सबको, ठीक है, और थम्स अप भी देना अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो। आपकी आने वाली सीरीज में मैं आपको ऐसे ही बेस से, जीरो से हीरो तक लेके जाऊंगी, ठीक है, तो जो जो लोग हीरो बनना चाहते हैं सारी सीरीज को देखना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ योर ग्रामर, थैंक यू एवरीवन।